विराट कोहली भाई इसी फॉर्म में, मन माने 500 रन भी मार सका वो। देख लो भाई, भाई के कोहली भाई इसी फॉर्म में 500 भी मार देगा भाई, 700 तो मारती है कत्ती कर दे। अच्छा, एक मैच में 500 मार दिया। हाँ, कत्ती ऐसा माहौल चल रहा है। वो तो रिकॉर्ड यार 50 का था, 70 का। वो तो मन माने 200 और मार देगा। अच्छा, और इतने वो संन्यास ना लिए भाई, इतना उसका कोहली का छोरा खेलने लग जाएगा, इतना खेल ही जाएगा भाई। 500 शतक मार दिया विराट कोहली। फाइनल सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त रहा है। सुनी भी हुई पब्लिक की, बोला बस रेस ये हटाना चाहिए। हाँ, 4 नंबर पर नहीं खिलाना चाहिए। तो भाई देख, प्लेयर में हौसला था, काबिलियत थी, करके दिखाया। आज भाव उसकी प्रशंसा भी करते होंगे भाई। राम राम जी, आप सभी को कैसे हो जी, आप सभी स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो। सो दोस्तों, आज हम आए हैं रोहतक के मानसरोवर पार्क में, और आज हम लेने के लिए आए हैं लोबा ग्राउंड में, क्योंकि 19 नवंबर को भारत का और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होने वाला है। तो आज हम आए हैं रोहतक के मानसरोवर पार्क में, और यहाँ पे लेते हैं जनता का रिव्यू, और जनता क्या चाहती है, और जनता के मन में क्या है, ना कि जो लोग है वे कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सभी चीजों का जवाब आप सभी को हम इस वीडियो में देने वाले, और यहाँ के लोगों से पूछने वाले। और बड़ा ही शानदार मैच होने वाला 19 तारीख को, 19 नवंबर को, जो कि गुजरात में होने वाला अहमदाबाद के स्टेडियम में। और अभी चलते अंदर। दोस्तों, अभी हम आ चुके पार्क में, और पार्क में हमारे को मिले ये भाई। भाई सब तो पहले थे, राम राम। राम राम भाई। भाई क्या नाम अपना? साहिल नाम भाई। साहिल नाम भाई, आप मैच देखा करो। हाँ, चल रहा है अपना वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है 2023। तो भाई उसमें है ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच चुकी है। 19 नवंबर को मैच होने वाला है, तो भाई उसके चलते हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो भाई आप एक एक बार हमारे को बताओ कौन सी टीम बाद पड़ेगी। भाई अगर देखा जाए तो जो भारतीय टीम है वो अभी बिल्कुल फॉर्म में चल रही है, तो थोड़ी भाई अपनी राय भी देना भाई। इस चीज का तो मुद्दा ही नहीं होना, सवाल ये पैदा नहीं होता और कोई सी टीम ने जिता दें। अच्छा, ठीक है, भारत मरा वहाँ, भारत की मट्टी पर अपना जन्म दे रखा, तो भारत ने जितावांगे भाई। बिल्कुल भाई। सीधी सी बात यह है, और जिस हिसाब के मैच चल रहे हैं भाई, उस हिसाब से अपनी इंडिया ये बात पढ़ने ला रही, एक भी मैच आ रही नहीं है। हाँ। और जितने भी मैच जीते हैं कति एक तरफा जीते, एक तरफा जीते, कति जीते। यह चीज तो भाई, भारत ने जितने भी मैच जीते कति एक तरफा जीते, चाहे चाहे पहले बैटिंग आई हो, चाहे बॉलिंग आई हो, कोई भी चीज आई हो, लेकिन जो भी चीज आई है ना भारत ने वह सही साबित करके दिखाई है कति दिखाई है। फिलहाल विराट कोहली भाई इसी फॉर्म में, मन माने 500 रन भी मार सका वो। देख लो भाई, भाई के कोहली भाई इसी फॉर्म में 500 भी मार देगा भाई, 700 तो मारती है कत्ती कर दे। अच्छा, एक मैच में 500 मार दे। हाँ, कत्ती ऐसा माहौल चल रहा है। फिलहाल अपनी इंडिया जीतेगी फिलहाल, भाई का कहना फिलहाल अपनी इंडिया जीतेगी। और भाई तो एक बात और पूछेंगे भाई, जो भारत का और जो न्यूजीलैंड का मैच था उसमें विराट कोहली ने भाई एक रिकॉर्ड और तोड़ा है। उसमें जो सचिन के शतका का वो था बराबरी का, लेकिन उसने एक से एक शतक और बना के एक और रिकॉर्ड बना दिया। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? वो तो रिकॉर्ड यार 50 का था शतका का, वो तो मन माने 200 और मार देगा। अच्छा, और इतने वो संन्यास ना लिए भाई, इतना उसका कोहली का छोरा खेलने लग जाएगा, इतना खेल ही जाएगा भाई। 500 शतक मार दिया विराट कोहली। हेलो भाई जी, आप क्या कहना चाहोगे? भाई टीम ऑस्ट्रेलिया भी टक्कर की है, 5 वर्ल्ड कप जीत ली है, तो हड़के में ना लेना चाहिए भाई इंडिया ने। भाई फाइनल सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त रहा है। बिल्कुल भाई, वो मैच मतलब कि जो आप ये बात कह रहे हो कि फाइनल में सेमीफाइनल में रिकॉर्ड टक्कर कर रहे हैं, तो भाई वो कल साबित भी हो गया। कल वाला मैच बिल्कुल एक तरफा ही कर दिया था उनने। बिल्कुल बिल्कुल, कट्टी कर दिया भाई, तरफा भाई बॉलिंग का प्रदर्शन रहा भाई ऑस्ट्रेलिया। हाँ। का काबिल तारीफ था भाई, सोचे नहीं थी बस साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो पहली बैटिंग करती आना 350-400 रन कुछ मानना नहीं करती, मानना नहीं करती, 210-212-213 बात है टीम में भाई, टीम में बात भाई। नूबी नहीं कह सकते हमें, इंडिया वाली टीम है, 2-4 कमी थी, पिछले 2 मैच था भी देखते हो सुरेश अय्यर भाई, 200 मार गया। सुनी भी हुई पब्लिक की, बोला बस रेस ये हटाना चाहिए। हाँ। 4 नंबर पर नहीं खिलाना चाहिए। तो भाई देख, प्लेयर में हौसला था, काबिलियत थी, करके दिखाया। आज भाव उसकी प्रशंसा भी करते होंगे भाई। रही गई चलो एक सस्पेंस वाली बात, याद ही भाई हार्दिक पांड्या का चोट लगी थी, बगने सवाल भी थे भाई आगे के हुआ टीम अगेन, पर समी ने जो प्रदर्शन दिया ना भाई, समी ने बक्का भी लेता रही प्रदर्शन दिया भाई, समी ने सारे मैच एक तरफा कर बक्कती एक तरफा कर दिया छोरे ने, विकेट 5-4-5-7 रहे नु भाई रहे।
पर एक चीज वो तो ठीक है भाई, विकेट है 10 होगा ना, 12 ले जाएगा, 12 ले जा, 12 ले जा। पर एक चीज और होनी है, जो पैट कमिंस कप्तानी करने लाग रहा है या जबरदस्त है, वो भी बहुत कमाल की बात है भाई। जिस हिसाब से उसने नूला ले, मैक्सवेल खड़ा था जब बांग्लादेश गेल मैच था, अफगानिस्तान गेल मैच था, 62-63 बोले, अकेला खेल रहा, 12 रन बनाया, जिस हिसाब की कप्तानी करने लाग रहा है उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया भी भाई कत्ती पूरे चांस है, कत्ती 100% कैश कहाँ पर, मतलब कि भाई जो मैच होना है टक्कर का मैच होगा, और इस मैच में हम यह बात चाहेंगे कि जो भारतीय टीम एक तरफा जीतता है तो उसमें भी एक का तरफा हो, भारत की देख भाई, भारत के यहाँ पर भी बिल्कुल देश जीतना चाहिए, वह बात न्यारी है, बाकी पर लगता नहीं ऐसा कुछ होगा, किस्मत बिल्कुल चाहिए भारत में, किस्मत यह बात कहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले कंगारू के भाई, कंगारू के और ये किस्मत के बहुत धनी है, माहौल ने एक तरफा कर दिया, चल रहा है, रिकी पोंटिंग था उन्हें देख ले कह जिताए, कलराक था, समित था, जितने भी कप्तान आए हैं, उदाहरण दे दिया 3-4 मैच पहला तीनों ला ले, पड़ता घिसड़ता पड़ता 200 मार गया यार बता। और भाई आप क्या कहना चाहोगे रोहित शर्मा के बारे में? भाई रोहित शर्मा का देख देख अपा कुछ कहना चाहोगे भाई, कई लोग सोचते होंगे भाई 30 नहीं हो लिया है, 50 कई मैच हम रह गया, पर जो शुरुआत वो बंदा करके जा है, जो दिमाग उसका मैच में चल है भाई, एक नंबर प्लेयर है भाई, बल्कि उस तब एक दो रुपये बंद करे भाई, ना भाई। यारे हम नहीं कह सकते भाई, धोनी देख धोनी की बराबरी ना होगा भाई, इसके पास टीम नहीं थी भाई, इसके पास धोनी के पास टीम नहीं थी, इस दौरे सारे सितारे ऐसे बनाई धोनी ने भाई, खुद एक तरफा कप्तान था, उसका कप्तान ना था होगा भाई, भरना होया हाँ, या कह सका रोहित शर्मा के बारे में, जिस वीरेंद्र सहवाग खेलिया करता भाई, जो नू खेल जा 10 ओवर खेल जा तो मनमाने मैच एक तरफा ही कर, मैच एक तरफ बस यह बात है। और भाई जी तो बुमराह के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बुमराह की तो के कहा भाई, उसके तो कुछ सवाल पैदा नहीं होता बॉलिंग पर, विकेट ले ना ले एक न्यारी बात है, बाकी ओवर 10 के 10 40 रन तो ऊपर जानती, 40 रन तो ऊपर नहीं, समी विकेट 4 की एवरेज रखे, समी विकेट लेने लग रहा बुमराह का दबाव तक लेने लग रहा है, जिस हिसाब का भाई नू ला ले, न्यूजीलैंड का लगा सेमीफाइनल मैच था, समी ने कैच छोड़ दी हाँ, उस पर दबाव हो रहा था पूरा, दबाव था भाई, अगर वो विकेट ना लेता उड़े तो उस पर सवाल भी उठते, नो विकेट दे जान करके छोड़ दी, वो कर दिया, और एक चीज और जड़े जान 3-4 कैच पकड़ी है भाई, उड़ा और कोई सा प्लेयर होता मनमाना छूट जाती तो भी मैच हट जाने, जडेजा तो भाई फील्डिंग में है भाई, वो ऑस्ट्रेलिया कोच नाम नहीं फेरा मैंने, उसने के बाद कही अपने प्लेयर आती बोला बोला जडेजा राउंड दी बॉल बोला देर इज नो रन, जडेजा के पास में बॉल जाए तो आप वहाँ पे रन ना लीजिए, क्योंकि खतरे से खाली नहीं है वो, बैट्समैन की यही बात होती है, एक बार कि जडेजा के पास प्लेयर होए मोहम्मद कैफ वो फील्डिंग कर आगे, सुरेश रैना जडेजा, आपा तो फील्डिंग में मान आ रहा भाई सुरेश रैना फील्डिंग का गुरु को आ रहा हूँ, जो कहती एक तरफ, और भाई एक चीज और देखने मिल रही है खासकर अपने इस वर्ल्ड कप में, जब भी मैच खत्म हो गया तो वो स्पेशल एक फील्डिंग का होता है इवेंट, और जो भी उस मैच में बढ़िया फील्डिंग करता है तो उसको मेडल दिया जाता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे भाई, जो यह चीज ये लेकर आए तो ये ठीक लेकर आए, यह बहुत बढ़िया चीज लेकर आए हैं भाई, मैच ने एक लाभ बैट्समैन ने जिता सका, बॉलिंग बढ़िया करते ही कैच छवादी फील्डर ने छोड़ दी, कह रहा है भाई, तो फील्डिंग का बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण है भाई, अपना तो भाई ये थी इन भाइयों की बातचीत, बिल्कुल पूरे तन मन धन तक भारत की गेला है, और भारत को पूरी तरह से सपोर्ट करे, क्यों भाई कती सपोर्ट है भाई, कती सपोर्ट है भाई, दिल तो सपोर्ट है भारतीय टीम को, तो भाई ने कहीं हाथ मार अगली उठा दी है और कह दिया देख लेंगे भाई, इंडिया तो एक अलग लेवल हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाले चाहे हरियाणा में खेलना आगे, हरियाणा में आ जा ठीक है भाई।